खेलो सब जीतो यारो सब खेलो सब जीतो। नमस्कार आदाब, आप सबका स्वागत है सब खेलो सब जीतो में। देखिए हमारे शो का नाम सब खेलो सब जीतो इसलिए है क्योंकि असली मजा सबके साथ देखने में तो आता ही है, खेलने में भी आता है। करेक्ट गाइस? यस। ऑलराइट। तो कल मेरे एजेंट्स ने मुझे बताया कि पूरे देश में घर घर में लोग सब खेलो सब जीतो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यार पप्पू की बुआ जब भी घर की घंटी बजाती है तो पप्पू की मम्मी पूछती है, भाई जान ना पहचान मैं तेरा डैड। सही जवाब देने पर ही घर के अंदर एंट्री मिलती है। सास बहू का बॉन्ड भी अब बहुत स्ट्रांग हो गया, मैंने सुना है, क्योंकि अब किचन में ऑर्डर की जगह सास गेम्स देती है। 90 सेकंड में 5 टमाटर काट लो और फ्रिज तुम्हारा। चीकू पप्पू से पूछता है, भाई तेरे घर का स्कोर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है घर पे। बेचारा पप्पू उदास हो चुका है क्योंकि वो कह रहा है, यार मेरे पापा को ना तो कोई गेम समझ आता है ना तो वो ढंग से खेलते हैं, मैं तो हार चुका हूँ अपने पिताजी से। खैर ये तो थी हिंदुस्तान भर की खबर। यहाँ की खबर ये है कि हमारे आज के 6 फैमिलीज यहाँ आ चुकी हैं। इनमें से कोई एक होगी हमारी चैंपियन फैमिली और हमारा हर 7वां एपिसोड होगा एक महा एपिसोड। तालियां प्लीज। अब इस महा एपिसोड में 6 चैंपियन फैमिलीज आपस में खेलेंगी। हमारे महा एपिसोड के विजेता को मिलने वाली है निसान माइक्रा एक्टिव, हिंदुस्तान की हैचबैक सेगमेंट की पहली कार जिसमें है परफॉर्मेंस और पावर का रेयर कॉम्बिनेशन। ये एक रिफाइंड टफ बोल्ड और डायनामिक सिटी का है जिसमें है बेहतरीन इंटीरियर्स एंड एडवांस्ड फीचर्स जैसे कि 19.49 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज एरोडायनामिक्स और एक नया स्पॉटी बम्पर। इसका एंटी ब्रेकिंग सिस्टम और ब्रेक असिस्ट आपके टायर्स को अचानक ब्रेक करने पर लॉक होने से बचाए और आपको दे हर तरह के रास्तों पर एक बेहतर पकड़। तो आइए अब मैं आपको मिलाता हूं हमारे आज के 6 फैमिली से। सब खेलो सब जीतो पर हमारी पहली फैमिली है रेड टीम, जूली मेहुल मेहता एंड फैमिली और उनका वंडरफुल परिवार। हाय, मेरा नाम मेहुल मेहता है, कांदिवली से आया हूं और मैं यहां से जीत के जाऊंगा। मेरा नाम मिसेस जूली मेहुल मेहता है, मैं हाउसवाइफ हूं। मेरा नाम है भव्य, मैं 4th में पढ़ता हूं और मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। मेरा नाम कृति मेहता है, मैं पवार पब्लिक स्कूल से आई हूं, मुझे आर्ट और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। हम सबको हरा देंगे। राजस्थान से रिंकू जैन एंड फैमिली हमारी ब्लू टीम है, देखते हैं वो अपने बारे में आपसे क्या कहते हैं। मैं रिंकू जैन, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे डांस का बहुत शौक है, आज मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ खूब गेम्स खेल के खूब प्राइजेस जीत के जाना चाहती हूँ। मैं अनुष्का जैन हूँ, क्वीन मेरी स्कूल में पढ़ती हूँ, 7th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं यहाँ पर आके सब कुछ जीतूंगी, ऐसी मेरी कोशिश है। मैं भ्राती जैन हूँ, मैं क्वीन मेरी स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 2nd स्टैंडर्ड में हूँ। मेरा नाम दिनेश जैन है, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ से कुछ न कुछ प्रोजेक्ट जीत के जाऊंगा। हम खेलेंगे और जीतेंगे। हमारी नेक्स्ट फैमिली यहाँ सिर्फ जीतने नहीं खूब सारे दोस्त भी बनाने आई है। प्लीज वेलकम हमारी ग्रीन टीम, तेजस सावला एंड हिज वंडरफुल फैमिली। मेरा नाम तेजस सावला है, मैं रिकॉल इंडिया नाम की कंपनी में ऐसा एडमिन काम करता हूँ। मैं नीता तेजस सावला, मैं होम ट्यूटर हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ। मेरा नाम यशवी तेजस सावला है, मैं 3rd स्टैंडर्ड में हूँ। हाय, मेरा नाम विराज है और मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। हमारी येलो टीम हमें तो कभी धोखा नहीं देगी। लेट्स वेलकम संदीप धोखा एंड हिज वंडरफुल फैमिली। मेरा नाम शीतल धोखा है, मैं राजस्थान से आई हूँ मेरी फैमिली के साथ यहाँ पे इस शो में खेलने के लिए। मेरा नाम राशि धोखा है, मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरा नाम धृति है, मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझे आउटडोर गेम्स बहुत पसंद है। मेरा नाम संदीप धोखा है, मैं मेरे फैमिली के साथ यहाँ से बहुत सारी चीजें जीत के जाऊंगा। हमारी
हमारी ऑरेंज टीम फुल एनर्जी और जबरदस्त गेम स्पिरिट के साथ आई है किशोर बोपचे एंड हिज वंडरफुल फैमिली। मेरा नाम है किशोर बोपचे, मैं पुणे से आया हूँ। मैं एविंस हेल्थ केयर कंपनी में एज ए नेशनल सेल्स मैनेजर काम करता हूँ। मेरा नाम कौशिकी है, मेरा एज 13 है, मैं एफ एस स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं जैसे खेलने ही नहीं एंजॉय करने आई हूँ। मेरा नाम शांभवी है, मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं अपर्णा किशोर बोपचे पुण्य नगरी पुणे से आई हुई हूँ अपने फैमिली के साथ इस मशहूर गेम शो को खेलने के लिए। हम सब जीत के जाएंगे। सब खेलो, सब जीतो, सब खेलो, सब जीतो, सब खेलो, सब जीतो। हम किसी से कम नहीं है इनका मोटो, और ऐसी हमारी पर्पल टीम संगीता पटेल एंड फैमिली, देखते हैं इनका एक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम तनय पटेल है, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता हूँ। हाय, मेरा नाम रीमा है, मैं जॉब करती हूँ, मैं यहाँ एंजॉय करने आई हूँ। मेरा नाम मौसम पटेल है, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। मैं पूरी आशा रखती हूँ कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ पक्का जीत के जाऊँ। मेरा नाम संगीता पटेल है, मैं जॉब करती हूँ। इस खेल में खेलने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। जीतना चाहती हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। एंजॉय करना सबसे बड़ी बात है। सब खेलो, सब जीतो, सब खेलो, सब जीतो, सब खेलो, सब जीतो, सब खेलो, सब जीतो, सब खेलो। वेलकम फैमिलीज, वेलकम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप सब तैयार है खेलने के लिए? तैयार है। आर यू श्योर? यस। तो सबसे पहले होगा घंटी राउंड, यानी कि बजर राउंड, जहां मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको घंटी दबाकर ही देना होगा। जो टीम सबसे पहले घंटी दबाएगी उनको आंसर देने का मौका मिलेगा। अगर आंसर ठीक दिया तो आपको मौका मिलेगा एक गेम खेलने का, और अगर गलत दिया तो घबराइए मत, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। ऐसे हम खेलेंगे 6 घंटी राउंड्स और फिर 6 गेम्स, और शो के आखिर में हम एक चैंपियन फैमिली घोषित करेंगे जो हमारे महा एपिसोड में बाकी चैंपियन फैमिलीज के साथ खेलेंगे। तो आप सब तैयार हैं? यस। ठीक है, बड़ा सिंपल फॉर्मेट है, हल्के फुल्के गेम्स खेलेंगे और जीतेंगे आप भारी भरकम इनाम। तो ये रहा घंटी राउंड का सबसे पहला सवाल, इस ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुनिए। सवाल यह है, गाना था मैं तो रस्ते से जा रहा था, इस फिल्म के डायरेक्टर का क्या नाम है? वो मेहता साहब आंसर बताइए। डेविड धवन। डेविड धवन करेक्ट आंसर है। आइए आइए आइए। जूली, राइट? जूली, आपको मेहता साहब ने प्रपोज किया था अप्रैल फूल डे पे। ये बड़ा डेंजरस दिन है मेरे ख्याल से, क्यों भाई आपने ऐसा दिन क्यों चूज किया, कोई और दिन नहीं मिला आपको? सर, मैं अप्रैल फूल करना चाहता था लेकिन मैं अप्रैल फूल हो गया। वाह, नॉट बैड। ये रही आ तो हो गई आपकी बिटाई सर, अभी खेल लीजिए, मजे ले लीजिए। ठीक है, आप लोग तैयार है खेलने के लिए? जरूर। ओके, गेम से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप क्या जीतने वाले हैं। टेक अ लुक। गोदरेज ईऑन डिजी फ्रेश फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, इसकी यूनिक सिल्वर शावर टेक्नोलॉजी हर तरफ से आपके फ्रिज को ठंडा रखे ताकि आपका खाना रहे ज्यादा देर तक फ्रेश। कैसा लग रहा है सर? काफी बढ़िया लग रहा है। काफी बढ़िया लग रहा है। ये बहुत बड़ा भी है सर, ये पूरी फैमिली इस पे बैठ भी सकती है। है ना, घर पे बहुत सारे रेफ्रिजरेटर है या एक है? एक ही है। जूली, एक और की तो जरूरत है, मैं तो सबको काट डालेंगे आप। ठीक है, सो रेफ्रिजरेटर आपको चाहिए, ये रहा आपका गेम। गेम का नाम है हूला बोल। हूला बोल ये मैंने खुद लिखा है। देखिए, इस तरफ है एक डंडी और इस तरफ है हूला हूप्स। बड़ा सिंपल सा गेम है, आप चारों को एक लाइन बनानी पड़ेगी। हूला हूप एक के हाथ में होगा, आपको बस ये हूला हूप फेंकना है अपने फैमिली मेंबर पे। पुरानी भड़ास, इरिटेशन, स्ट्रेस, जो भी हो निकाल लीजिएगा। आपको ये हूला हूप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे मेंबर को पास करना पड़ेगा। चौथे मेंबर को ये हूला हूप उस स्टिक में डालना पड़ेगा। अगर आपने 90 सेकंड में 10 बार ये कर लिया तो ये जहाजी रेफ्रिजरेटर आपका हो जाएगा। देखिए, इतना मुश्किल नहीं है, और आपकी फैमिली में बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज सर? बच्चे हैं। बच्चे हैं, इतने छोटे भी हैं कि कहीं भी हूला हूप फेंक दीजिए तो हिट है ना। सर, आपको डिसाइड करना है कि ऑर्डर क्या है खड़े होने का। पहले मैं खड़ा रहूंगा, उसके बाद जूली, कृति और भव्य। याद रखिए, जब तक
इनका पूरा हुला हूप नीचे नहीं जाता था और ये पास नहीं कर लेते आप दूसरा नहीं उठा सकते, वरना क्या होगा ना, एक इंसान पे पांच छह फेंक देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दुश्मनी थोड़ी ना निकाल रहे घर वालों पे। आप लोग तैयार है? ओके, 3, 2, 1 चलिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर, जाइए। ये आपको निकालना है, हाँ मार दीजिए। मिस्टर मेहता, ये रोमांस नहीं चल रहा है, जल्दी करिए सर। ले, जूली जी, वेरी वेल प्लेड, वेरी नाइस। ध्यान से, आराम से करना अपने टाइम पे। आ जाओ, आ जाओ, देखो। ओ, डोंट वरी। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अच्छा, उठाओ। ऊंचा फेंको, ऊंचा। वेरी गुड। जल्दी जल्दी जल्दी, समय कम है। मेहता साहब, एक मिनट जा चुका है, आप यहाँ पार्टी कर रहे हैं। मेहता फैमिली, देखिए मिस्टर मेहता, जब भी आपकी वाइफ उधर देखती है तो आपने उनको फेंक दिया एक हुला हूप, ये क्यों किया आपने जूली के साथ? गेम के अंदर इतनी इन्वॉल्व हो गए, पता ही नहीं चला गया शायद। अच्छा, ठीक है जूली, आपके साथ क्या हो रहा था? आपके लिए आप तो ऐसी हवा में पिकनिक में गई थी। मैं तो बहुत अच्छे से डाल सक रही थी, भव्य डाल नहीं सक रहा था। उसकी हाइट तो भव्य से ज्यादा थी, है ना, ऐसे लग रहा आईफल टावर पे कोई फेंक रहा हो हुला हूप। तो कितने हुला हूप आपको डालने थे उसमें सर? दस। कितने हैं? दो, यानी हम हार गए। आठ बाद में कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन मजा आया कि नहीं सर? बहुत मजा आया। बस मेहता साहब, अब जब बाकी लोग खेलेंगे उनके लिए तालियां जरूर बजाइएगा। ऑलराइट, जोरदार तालियां मेहता साहब के लिए। एक गेम तो हो चुका है, अब रेडी रहिए घंटी राउंड नंबर टू के लिए। आप सब तैयार हैं? ओके, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन घंटी राउंड के लिए। देखिए ये एक मुहावरा है, इसे कंप्लीट करिएगा। जितनी लंबी चादर हो उतने ही डैश फैलाना। ओके, सावला फैमिली, आर यू रेडी? यस। मैंने आपसे पूछा था जितनी लंबी चादर हो उतने ही डैश फैलाने चाहिए। पैर। पैर इज द राइट आंसर। सावला फैमिली, मैंने सुना कि आप जब बोर होते हैं तो लोगों पे मेकअप वेकअप कर लेते हैं। इस तरीके से नहीं था, मेरे कजिन की शादी थी और मेरे और एक कजिन जो ब्यूटी पार्लर का सब तब सीख रहे थे, तो उन्होंने मेरे को जस्ट मेकअप करके दिया था। उस टाइम पे ऐसे हो गया कि मेरा कुछ मेकअप बहुत खराब हो गया और इतना डर्टी दिख रहा था कि मैं दो घंटे तक वॉशरूम में अटका पड़ा था। प्लस उस टाइम पे मोबाइल नहीं था मेरे पास, मैं वेट कर रहा था कि कोई आए मेरा रिश्तेदार या कोई साथीदार जिसको मैं बोल सकूं भाई कुछ तो इलाज, किसी को पूछ के लेके आइए। तो क्या हो गया, शादी हो गई? शादी तो हो गई, खाना भी ना सब फ्रेंड्स लोग ने खा दिया था, मैं बाहर रह के अकेला फिर खा रहा था। मैम आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूं और मैं ट्यूशंस भी लेती हूं बच्चों। ओ, होम ट्यूशन तो मतलब बचा के रखा हुआ है होम ट्यूशन ने सबकी जिंदगी को, है ना। क्योंकि मैं होम ट्यूशन के लिए जाता था और कुछ 4 बजे के टाइम भी होता है जो मेरे ख्याल से मतलब वो भयंकर टाइम है लाइफ में, क्योंकि 4 बजे क्या होता है, खाने के बाद अकाउंट्स के नंबर्स उसके आसमान में दिख रहे हैं। तो ऐसा कोई है जो सो जाता है क्लास में या? No way. बिकॉज पहले मैं अपना ग्रुप बनाती हूँ, बच्चों को फ्रेंडली कर देती हूँ, उसके बाद पढ़ाना शुरू करती हूँ, तो दे आर एंजॉयिंग। हमें बुलाए जाते थे नाम बेवकूफ, बदशकल, ऐसे, तो कभी कोई पास नहीं हुआ मेरे ग्रुप में। मेरे ट्यूशन में बच्चा वो हर बार कहता है ए मकड़ा सुन, तो हम लोग बोलते हैं ए मकड़ी सुन तू, बट पास हो रहे हैं ना बच्चे। ओके गुड, पीपल आर पासिंग। अब देखते हैं कि आप पास होने वाले हैं कि नहीं। yes. लेकिन गेम से पहले ये रहा आपका प्राइज। क्रोमा के 1, 2, नहीं 3 डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। पहले है 7 इंच का क्रोमा डिजिटल फोटो फ्रेम LCD डिस्प्ले के साथ, दूसरा है एक 7 इंच का क्रोमा टैबलेट 3G और कॉलिंग फैसिलिटी के साथ, और तीसरा है एक ड्यूल सिम वाला क्रोमा स्मार्टफोन 3G फैसिलिटी के साथ।
हेलो। इसे तो भाई जीतना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स। अगर ये स्मार्टफोन तुम्हारे साथ होता तो फिर बाथरूम में तुम अटके नहीं होते, है ना? ठीक है, एनीवे, आर यू रेडी? यस यस। ओके, तो अब ये रहा आपका गेम। गेम का नाम है मच्छी की दुमची। याहू, तालियां प्लीज, तालियां। ये है 15 बाल्टियां, इनमें 15 मछलियां, लेकिन ये टॉय की मछली है। आप सबको दी गई है एक एक फिशिंग रॉड। आपको इस फिशिंग रॉड से फिशिंग करना है। आपको बस मछली खींचनी है और हमारा काम हो गया। खींचिए मछली प्लीज। अगर आपने 90 सेकंड में चार फिश पकड़ लिए तो ये ब्यूटीफुल गिफ्ट्स आपके सर। मेहता फैमिली, क्या ये आपकी तरह करेंगे विन या लूज? बताइए सर। विन। 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 ओके, तैयार हो जाइए फिशिंग के लिए। 3, 2, 1 प्ले। बस फोकस करिए, फोकस। 3 मछलियां, वो एक तो आ गई। भाई ऐसा है, अगर अपना परिवार छोड़ने का मन करे और मेरे परिवार में आने का मन करे तो बता दो। आपके बच्चे ने कमाल कर दिया। अच्छा, अब बेटी की बाल्टी में मच्छी, क्या बात है। हाथ बड़े प्यार से लेती हैं आप आज जब खुद मछली। कम ऑन मैम प्लीज, पूरी दुनिया देख रही है, आप वहां पे ऐसे हवा हवाई कर रही है। बिहाइंड द लाइन बाबा, एक्सक्यूज मी, बिहाइंड द लाइन। ओके, जल्दी कर, आराम से, जल्दी नहीं है। आप लोग थक गए होंगे जीत के। 5, 4, 3, 2, 1 ओ, अरे बताइए आपको कितनी मछलियां कलेक्ट करनी थी? 4. आर यू श्योर? या। 1, 2 आपने कितनी मछलियां उठाई सर? मैंने 2। पक्का? आपके साथ क्या हो रहा था? होम ट्यूशन हो रहा था वहां पे, है ना? नहीं, जंग चल रही थी। वही जंग नहीं चल रही थी, आप यहाँ थी मछली मिलो नीचे, 1 किलोमीटर नीचे थी मछली, फिर आपने अपनी बेटी की मछली उठाने की कोशिश करी। धक्का मारा आपने बेटी को, रुक जाओ मैं निकालती हूँ ये मछली। तुम तो यार ऐसे निकाले थे मछली जैसे पहले वो डील क्रैक की थी मछली के साथ, तो उछल के आ जाना भैया। कमाल, सुपरस्टार आपकी फैमिली का, आपका बेटा निकला और आपकी बेटी निकली। सुपर परफॉर्मेंस इज गाइस, वेल डन। 2 तालियां प्लीज। घंटी राउंड नंबर 3 के लिए आप सब तैयार हैं? Yes. घंटी राउंड नंबर 3 का ये रहा आपका क्वेश्चन। हरी हरी डंडी लाल कमान, हरी हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। हाँ जी सर। मिर्च। मिर्च कहां से सर? बिल्कुल सही कहा है आपने। आइए आइए, ओके बोपचे फैमिली, इंटरेस्टिंग लव स्टोरी आपकी। आप मिस्टर बोपचे को जब देख रहे थे तो आपको लगा कि ये रोजा फिल्म की जो हीरो थी अरविंद स्वामी थे, नहीं है क्या बोल रहा हूँ मैं, वैसे लगते थे, है ना सर? पुरानी बात है सर, पुरानी बात है, पुरानी फिल्म भी थी, लेकिन आप अरविंद स्वामी लग रहे हैं तो लग रहे हैं। तो क्या करवाते थे, सीन्स करवाते थे इनसे? इनको भागना पड़ रहा है, गाने गा रहे हैं आप ए आर रहमान पीछे? हाँ, गाने मेरे लिए बहुत सारे गाने गाते हो और बिल्कुल वही अरविंद स्वामी के अंदाज में।
वाह, अरविंद स्वामी से आप कभी मिले हैं सर? नहीं। तो आपको लगता है आप अरविंद स्वामी की तरह लगते हैं? नहीं नहीं। उनको लगे ना लगे, वो तो मेरी नजरें हैं जो उन्हें अरविंद स्वामी के रूप में देखती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वेल डन। देखिए, नजरों के बारे में बात करें तो इन्हीं नजरों की वजह से ये बारात में 7 घंटा लेट आए थे, मैंने सुना है। ये बात सही है? बिल्कुल सही। देखिए, 2-3 घंटे तो हो जाता है, घोड़ा बीमार हो गया या बैंड बंद हो गई, 7 घंटे में क्या हुआ सर? शिफ्ट हो गया ऑलमोस्ट। एक्चुअली एट द टाइम वी वर इन द जबलपुर, मतलब जबलपुर से हम निकले थे। जबलपुर में थे आप? हाँ। और इनका जो प्लेस था वो करीब 300 किलोमीटर था, गोंदिया। तो चल के तो नहीं निकले थे सर? ना सर, बस से ही निकले थे। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस खराब हो गई थी। माई गॉड, इस चक्कर में 7 घंटे लग गए सर। 7 घंटे लग गए सर। ये बस आपने खुद तो नहीं चलाने की कोशिश करी थी कहीं और? ठीक है, तो अब हम खेलेंगे एक छोटा सा गेम, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं आपका प्राइस क्या है। ये रहा आपका प्राइस। आप जीतने वाले हैं गोदरेज ईऑन एसी विद ग्रीन बैलेंस टेक्नोलॉजी, जो बिजली की बचत में बाकी 5-star एसी से 20% ज्यादा किफायती है। ये गोदरेज ईऑन एसी विद ग्रीन बैलेंस टेक्नोलॉजी आपका हो सकता है 2 मिनट से कम समय में। सर आप तैयार हैं सर गेम के लिए? ओके, गेम्स खेलते हैं काफी घर पे। ठीक है, ये वाला जीत के दिखाइए। ये रहा आपका गेम। गेम का नाम है ये तेरी चोंच ये मेरी चोंच। ला ला ला। इसका डेमो मेरे एजेंट्स आपको पहले सबसे पहले दिखाएंगे ताकि आप घबराए नहीं। एजेंट्स प्लीज देखिए, आप सबको ये चिड़िया के मास्क पहने, इन मास्क में से आप देख सकते हैं, तो घबराइए मत। आप चारों को अपनी अपनी जगह दी जाएगी। पहले फैमिली मेंबर को स्टार्ट लाइन से अपनी चोंच के सहारे से वो रोप उठाना है और बिना हाथ लगाए दूसरे फैमिली मेंबर को पास करना है। ऐसा ही दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे को, और फिर फोर्थ फैमिली मेंबर अपनी चोंच से उसी रस्सी को बास्केट में डाल देगा। याद रखिए, आपके पास 90 सेकंड का समय है, आपको कुल 6 ropes उस बॉक्स में डालने हैं। सब तैयार है ना? ठीक है, एजेंट्स प्लीज इन्हें इनके मास्क दे दीजिए। गेम याद रखिए, हाथों को इस्तेमाल नहीं करना है। बोबचे फैमिली, आर यू रेडी? यस सर। ठीक है, 3, 2, 1। चलिए, कुछ भी करके चलिए सर। वेरी गुड वेरी गुड। बस वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये होती है कोऑर्डिनेशन। क्या बात है, योग अभ्यास करते होंगे आप लोग। उसको मार मत दीजिए अपने चोट से। हाथ नहीं लगा सकते। वेरी गुड स्पीड, चलते रहिए। वाह, हाथ नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगा सकते आप। यार बहुत तेजी से चल रहे हैं। ये हाथ जल्दी जल्दी। 5, 4, 3, 2, 1। वो हो, उतार दीजिए मास्क और आ जाइए यहाँ पे। वाह, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी आप सब में, वेरी वेरी वेल प्लेड। बीच में एक दो नोक भी मारते थे आपको, मतलब पिछले जन्म में कोई तो कबूतर रहा होगा कि ऐसी कोऑर्डिनेशन तो किसी को नहीं मिल सकती। वेरी वेरी वेल प्लेड, अच्छा खेला आप सबने। अब देखना यह कि आपने उस डब्बे में 6 डाले हैं कि नहीं। 1, 2, ये क्या करें अब, 3 ही है इसमें, डजंट मैटर। जोरदार तालियां। मेरे ख्याल से आप सब ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी थी, बहुत ही मुश्किल है। एक तो कबूतर बना दिया आप लोगों को, फिर इतनी ब्रिलियंटली पास किया था। आई थिंक थोड़ा और समय होता और थोड़ी प्रैक्टिस होती तो आप एक्चुअली सुपरबली जीत जाते। बट थैंक यू ऑल सो मच, जोरदार तालियां आपके लिए। थैंक यू। कमाल की परफॉर्मेंस थी, वेरी नाइस। कौवा भी देखने आ गए थे सर, कैन यू इमेजिन।
आप सब तैयार हैं अब खेलने के लिए? ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन। किस फिल्म से ये डायलॉग है? तारीख पे तारीख पे तारीख। ओके, मेहता साहब बजर दबा दिया, आंसर तो दे दो। दामिनी। दामिनी इज द करेक्ट आंसर। वाह वाह, आइए सर आइए। दामिनी में लॉयर का नाम मालूम है? चड्डा। चड्डा मुझे वो बड़ा पसंद था, एक हफ्ते के लिए मैं चड्डा बन गया था। खैर, गेम खेले जरूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं आपका प्राइस क्या है। ये रहा आपका प्राइस, ये गोदरेज इऑन ग्लिट्स वॉशिंग मशीन, जिसमें है पावरफुल एक्वा जेट पल्सेटर जो आपके कपड़ों को 360 डिग्री मोशन देता है और कपड़ों को बिल्कुल चमका देता है। पसंद है आपको वॉशिंग मशीन? बहुत पसंद है, ऑलरेडी एक खराब है वॉशिंग मशीन तो। अच्छा, वॉशिंग मशीन चल नहीं रहा है, ये बड़ा प्रॉब्लम है फिर। जूली, दिस इज फॉर यू, ये वॉशिंग मशीन तो जीतनी है। कसम खा लीजिए मेहता साहब के अब जीतने वाले हैं। कसम खा ली। डन सर, तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये रहा आपका गेम। गेम का नाम है जुड़वा, ये बड़ा प्यारा सा गेम है जहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग होती है। राइट हैंड साइड पे है ट्रे, आप सबके पैर बंधे होंगे, ट्रे आपको उठाना है और निकल पड़िए। यहाँ इस साइड पे है ग्लास जिनमें है पानी, याद रखिए आप एक बार में केवल एक ही ग्लास उठा सकते हैं। आप वापस गए और सीधा वहां पे आप देख सकते हैं हमारा एक टम्बलर है, जब तक पानी लाल मार्क तक ना आए आप ऐसा ही करते रहिए और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको मिल जाएगा प्राइज। देखिए आपके पैर मैंने बांध दिए हैं ताकि आप एक दूसरे को छोड़ ना पाए। स्टार्ट मार्क पे जाइए प्लीज। मेहता फैमिली, आर यू रेडी? यस। ठीक है, 3 2 1 प्ले। चलिए ध्यान से ध्यान से। वेरी नाइस, अगले महीने तक आप दोनों पहुंच ही जाएंगे। आइए आइए, जल्दी जल्दी जल्दी, समय जा रहा है समय जा रहा है। हाँ, वेरी गुड कोऑर्डिनेशन। मेहता साहब आप मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं क्या? करें जल्दी करिए सर, बहुत कम समय है, कम ऑन। चलिए चलिए मिस्टर मेहता सर, आप तो प्लीज चीयर देम। बीस सेकंड बाकी है, 20 सेकंड, चलिए एक और राउंड। 15 सेकंड बाकी है, जल्दी आगे उछल। 5 4 3 2 1 स्टॉप। वो आइए आइए भाई, इतना प्यारा कोऑर्डिनेशन था आप सबका, इट वाज रियली गुड यार, मानना पड़ेगा, दे रियली प्लेड वेल, बहुत अच्छी तरह खेला आपने। इसमें मैं कोई गलती निकाल नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, और जहां से मैं खड़ा हूँ ऐसे लग रहा है कि आपने मार्क छू लिया है। मैं जरा एग्जामिन करके आता हूँ, एक मिनट रुकिए। ओहो, ये रहा हमारा मार्क, मतलब अपना पसीना भी डाल देते थोड़ा तो आई थिंक यहाँ तक पहुँच जाते। लास्ट सेकंड में आपने अपनी वाइफ के सर से ऊपर भी एक ग्लास फेंक दिया था, है ना, वो बहुत अच्छी तरह किया था, एक आधा भी चले जाता था। भव्य का बाकी रह गया। हाँ, थोड़ा रह गया बाकी। बच्चों ने बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी, आप दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। इतने प्यारे हैं आपके बच्चे सर, शांत रिलैक्स्ड, वरना आजकल तो चिल्लाते वलाते हैं, बोलते हैं नहीं हमें चाहिए प्राइज, लेकिन बदल गई है दुनिया, बहुत शांत है आपके बच्चे, वेरी लकी सर। आई एम सो सॉरी, आधे सेंटीमीटर की बात थी, आधे ग्लास की बात थी, इसलिए नहीं हुआ, बट आई थॉट इट वॉज अ सुपर परफॉर्मेंस। जोरदार तालियां आपके लिए, थैंक यू। काफी फैमिलीज हैं जो अब तक खेली नहीं है, तो तैयार हो जाइए बजर राउंड के लिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, कितने मूल्य का सिक्का चवन्नी के नाम से भी जाना जाता है? ओके, वो सावला फैमिली,
25 पैसा करेक्ट यस कम ऑन वेल डन कंग्रेचुलेशंस एक सेकंड के लिए आप घबरा गए थे ना राइट है ना वो आपने वो लॉन्ग पॉज लिया था वाला पॉज लेकिन गेम खेलने से पहले ये रहा आपका प्राइस ये रहा आपका 42 इंच का क्रोमा एलईडी टीवी फुल हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन और फुल यूएसबी मल्टीमीडिया प्लेबैक के साथ बहुत खूबसूरत है डेफिनेटली बहुत ही सुंदर है हाँ वहां पे भी देख के बोल दो ये तो बहुत ही सुंदर है वाह सबसे ज्यादा टीवी कौन देखता है घर पे आप टीवी देखते रहते हैं दिन भर ठीक है तो ये तो इनके लिए हो गया देखिए अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पता चलेगा कि क्या ये टेलीविजन आपका होगा कि नहीं व्हेन वी कम बैक ओनली ऑन सब खेलो सब जीतो वेलकम बैक टू सब खेलो सब जीतो एक ऐसा शो जिसमें फैमिलीज ही आएंगी फैमिलीज ही खेलेंगी और फैमिलीज ही जीतेंगी ऑल राइट तैयार हैं आप टीवी जीतने के लिए yes. सर फोकस करिए पिछले गेम में आपको याद है आपने क्या किया था ना कुछ खास नहीं बच्चे ने किया था इस बार आपको सारा काम करना है हम करेंगे ओके ये रहा आपका गेम गेम का नाम है खुल जा सिम सिम देखिए गेम थोड़ा ट्रिकी है आपको पहले तो मिथुन दा की आवाज में बोलना है खुल जा सिम सिम फिर ही गेम शुरू होगा बोलिए सर खुल जा सिम सिम आप ट्राई करिए जा सिम सिम मिथुन दाई एपिसोड ना ही देखें तो अच्छा है डोंट वरी गाइस गेम समझा देता हूँ हमारे राइट पे एक बड़ा सा बक्सा है उस पे बहुत सारे ताले हैं यहाँ पे बहुत सारी चाबियां हैं इन 50-60 चाबियों में से इन 10 तालों की चाबियां यहाँ पे हैं आपको यहाँ से चाबी लेनी है वहां पे ताला खोलना है 90 सेकंड का समय है 6 ताले आपको खोलने पड़ेंगे अगर आपने खोल लिए तो क्या हो जाएगा आपका ये ब्यूटीफुल टेलीविजन आइए स्टार्ट पॉइंट पे आ जाइए ओके 3 2 1 कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन जल्दी ट्राई करिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी चाबी किसी और का ताला मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ऐसे कोई बिहेव करता है अब तो जमाना ही बदल चुका है सर एक मिनट भाई सर इस स्पीड पे चलेंगे तो कुछ नहीं होगा वो टीवी जा रहा है भागिए तोड़ दीजिए ताला बहुत कम समय है कम ऑन हमने आपसे कहा था कि 6 ताले 90 सेकंड में खोल दीजिए कितने ताले खोले आपने 3 यार 3 और खोल देते तो मजा आ जाता क्या मुश्किलें पाई आपने क्या प्रॉब्लम चल रही थी काफी थे हाँ ये चाबी अटक गई थी पीछे में चाबी अटक गई थी फिर एक चाबी चल रही थी एक नई प्रॉब्लम तो होने वाले लेकिन काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी डज नॉट मैटर अभी वापस जाइए वेल डन सावला फैमिली सावला फैमिली कमाल है आप कमाल
बस अब बाकी फैमिलीज भी कह रही हैं बजर मत दबाना है ना, धोखा साहब भी कह रहे हैं बहुत हो गया भाई। ओके आप सब तैयार हैं, अब हम खेलेंगे हमारा आखिरी घंटी राउंड। पटेल फैमिली कम ऑन, जैन फैमिली आप तो मतलब मुझे लगता है अगर ये नहीं जीते तो उछल के यहाँ ही आ जाएंगी आप। ओके ये रहा घंटी राउंड का आखिरी सवाल। फिल्म थ्री इडियट्स में बोमन ईरानी के किरदार का पूरा नाम बताइए। ओके बोपचे फैमिली बताइए। वायरस सहस्रबुद्धे। आर यू श्योर? नहीं सॉरी, इट्स वीर सहस्रबुद्धे। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों बहन सही कहा था, घबराइए मत इतना। वेल डन, आइए बोपचे फैमिली आइए। सर पिछली बार प्रॉब्लम हो गया था सर, है ना, अब आप अरविंद स्वामी की तरह जीत जाइए आज, बहुत हो गया यार। तैयार हैं आप सर? ओके ये रहा आपका प्राइस, ये है गोदरेज ईऑन 34 लीटर कन्वेक्शन ड्रॉप डाउन माइक्रोवेव ओवन, और इसका 34 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव, इसका ड्रॉप डाउन डिजाइन आपके लिए तब भी किफायती है जब आपके यहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। खेलो, इसमें सब कुछ बना सकते हैं आप, पूरी फैमिली के लिए, नेबर्स के लिए, हम सब के लिए, बस आपको गेम जीतना है। गेम के लिए तैयार हैं आप सब? सर यस। ओके ये रहा आपका गेम। ओके मिस्टर अरविंद स्वामी यहाँ तो आप पहुंच गए हैं सर, अब प्लीज जीत जाइएगा। ठीक है, क्या आपने पिंग पोंग खेला है सर? आपने हाँ कंप्यूटर पे खेला, ये हो गया काम, ये हो गया। ठीक है आज आप रियल लाइफ में पिंग पोंग खेलने वाले हैं, क्योंकि हमारे गेम का नाम है पिंग पोंग ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग। आप लोग दो टीम्स में डिवाइड होंगे, ये स्टार्ट लाइन है और ये फिनिश लाइन। स्टार्ट लाइन पे है टेबल टेनिस के रैकेट और कुछ बॉल्स, आपको बस टीटी खेलते हुए इस बॉल को स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक लेकर जाना है। फिनिश लाइन पर एक बॉक्स रखा हुआ है, आपको बॉल टॉस करते हुए यहां तक पहुंचना है और उस बॉक्स में ये बॉल डालनी है। लेकिन अपनी इमेज बरकरार रखने के लिए मैंने इस गेम को थोड़ा सा टफ बना दिया है। तो आपको ये बॉल उस बॉक्स में बिना हाथ लगाए सिर्फ टॉस करके डालना होगा, सिंपल एज अ पिंपल, जिसका मतलब है बॉल हवा में रहेगी। ठीक है, अगर बाय चांस ये बॉल आपने गिरा दी तो आपको वापस स्टार्ट लाइन पे जाना पड़ेगा और फिर से शुरू करना पड़ेगा। याद रखिए आपको कुल 4 बॉल उस बॉक्स में डालने हैं और आपके पास है 90 सेकंड का टाइम। बेस्ट ऑफ लक, आर यू रेडी? अपनी पोजीशन ले लीजिए प्लीज। तो तैयार हो जाइए, तैयार हैं आप सब? सर ओके 3 2 1 प्ले। गिरा दी, वापस जल्दी करिए, फोकस करिए, वापस वापस वापस, नया बॉल। भागिए भागिए भागिए, वेरी गुड। ओहो आपकी तो वाइफ भी बास्केट में चली गई। ओके नो नो सर, वापस। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। नो बाउंस, कम ऑन, स्टार्ट लाइन से शुरू करिए, स्टार्ट लाइन से वापस। मैम स्टार्ट लाइन, नो स्टार्ट लाइन, थोड़ा जल्दी सर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यो। गेम तो आपने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मगर आपको यह इनाम नहीं मिल सकता क्योंकि आपने चीटिंग की है। चीटिंग गेम खेला आपने हम सबके साथ। यस,
और सारी फैमिलीज जानना चाहती हैं ये सच, हाँ कि नहीं? यस। और मैं आपका पर्दा फाश करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तैयार हैं आप? सर टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक सब खेलो सब जीतो में। मैं हमारी चीटर फैमिली के साथ हूँ। सर हमने कोई चीटिंग नहीं की। सर जब गेम की शुरुआत हो रही थी मैंने आपको कहा था कि आपको हंसते हुए खेलना है, एक बार भी नहीं हंसे आप। सर मन में हंस रहा। मन में तो बिल्कुल नहीं हंस रहे थे, मन में तो बड़ी टेंशन चल रही थी, दिल फड़फड़ा रहा था। खैर यू आर फॉरगिवन सर, नो प्रॉब्लम। देखते हैं कि अब बास्केट में कितने बॉल आपने डाले हैं। ओके ये रहा बास्केट। सर सर कितने बॉल डालने थे बास्केट में आप? चार। चार? एक बॉल सर। एक। Wait, right, sir. सर नो प्रॉब्लम। लेकिन हुआ क्या, मैं आपसे नहीं पूछना चाहता, ना ही आपकी वाइफ से पूछना चाहता हूँ, आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा था मैं जानना चाहता हूँ। आप दोनों निकले नहीं स्टार्ट पॉइंट से। एक्चुअली मेरा शॉट ऊपर जाता है, इसका शॉट नीचे जाता है। ये तो होना ही चाहिए। लेकिन वापस नहीं आया। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या आप हाफ वे मार्क तक पहुंची थी कि नहीं? नो पहुंच। आप दोनों ने काफी अच्छा खेला, एक्चुअली इन दोनों ने अटेम्प्ट बहुत किया था, अनफॉर्चुनेटली एक ही बॉल अंदर गया। सर वो थोड़ा नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच, जाइए वापस सर, कंग्रेचुलेशन। तो आज की हमारी चैंपियन फैमिली है सांवला फैमिली, कंग्रेचुलेशन। आइए अपना झंडा लहराते रहिए, बिकॉज आप चैंपियन फैमिली खेलेंगी बाकी चैंपियन फैमिलीज के साथ हमारे महा एपिसोड में निसान माइक्रा एक्टिव कार के लिए। क्योंकि आप हमारे चैंपियन हैं, ये रहा आपका चैंपियंस ट्रॉफी। और जो टीम्स आज नहीं जीत पाई उनके लिए भी हमारे पास कुछ है। तो आइए आप सब लोग इनकी खुशियों में शामिल हो जाइए। लेट्स हैव एवरीवन ऑन स्टेज, आइए। अगर आप भी इस मंच पर आकर खेलना चाहते हैं हल्के फुल्के गेम्स और जीतना चाहते हैं भारी भरकम इनाम, तो लॉग इन कीजिए www.subtv.com/auditions पर और बन जाइए हमारी इस हैप्पी फैमिली का हिस्सा। देखिए परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और अपने घर में भी आप मोहल्ले में भी परिश्रम करते रहिए, पता नहीं कब यहाँ आकर सफल हो जाएं। इसलिए कीप प्लेइंग कीप स्माइलिंग एंड कीप विनिंग एंड कीप वॉचिंग सब खेलो सब जीतो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.